अभी तक दुनिया यूक्रेन की हेडलाइंस में हैरान था। उसके कारण 10 तरीके की मुसीबतें आ गई थी और अब ताइवान को लेकर एक नई चिंता पैदा हो गई है। कल तक व्लादिमीर पुतिन खलनायक थे, पर अब लग रहा है कि 2022 खत्म होते होते शी जिनपिंग विलन बन सकते हैं, मतलब वर्ल्ड ऑर्डर में उथल पुथल मचा देने वाले खलनायक। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास और आज लॉन्ग शॉट में मेरा फोकस है कि कैसे नैंसी पेलोसी की यात्रा ने दुनिया में पैदा कर दिया है एक मोमेंट ऑफ डेंजर। इस खतरे में सबसे बड़ा सवाल है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब क्या करने वाले हैं। On 2nd August, US House Speaker Nancy Pelosi had made a visit to Taiwan. This enraged China and its President Xi Jinping. How dare she? They all fumed. उनकी यात्रा ने पूरी चीनी लीडरशिप को एहसास करा दिया कि वे और उनका देश अमेरिका अब चीन से बिगड़ते रिश्तों की परवाह नहीं करता है। In this enragement, the military commanders in Beijing announced a series of targeted operations. For a week almost, China's People's Liberation Army conducted live-fire exercises and other drills in the seas around, some of which had even landed in the Japanese water. संदेह नहीं कि अमेरिका और चीन के रिलेशनशिप में भारी दरार पड़ गई है। ऐसे में चीन has halted all its ties with the US on the climate crisis and the dialogue that was happening between their militaries. As for Nancy Pelosi, for her wishes and provocative actions, China has imposed sanctions on her and her close relatives. पर मजेदार बात ये है कि इस सब से USA में अभी तक कोई हलचल नहीं मची है। उनकी सेहत पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ हो। As for Taiwan, जैसे यूक्रेन के ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति पुतिन के आगे नहीं झुके, वैसे ही ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए चीन विरोधी देशों से नाता बनाया हुआ है। उनसे मदद का उन्हें पूरा भरोसा है और शायद इसीलिए वे अभी बेफिक्र हैं। पर ये रियलिटी, ताइवान का बेपरवाह होना चीन के लिए डूब भरने वाली बात है। वे अपनी समुद्री सीमा के टॉप से लेकर चीन सागर, नीचे एशियान देशों, प्रशांत क्षेत्र के नीचे ऑस्ट्रेलिया तक अपने को पूरे इलाके का दादा मानता है। But Nancy Pelosi making an unannounced, uninvited visit to Taiwan ने सारा perception बदल दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादों की हवा निकली है और उनकी परेशानी अब कुछ बढ़ सी गई है। So what next? क्या चाइना खुंदक में आकर ताइवान पर अब हमला बोलेगा? Should the world be wary? आखिर रूस ने भी यूक्रेन को नाक का सवाल बनाया, तो चीन ने भी हाल के सालों में ताइवान को नाक का सवाल बना रखा है। So let's look at why China could attack Taiwan, especially in the aftermath of the Pelosi visit. First, राष्ट्रपति जी को वापस अगले टर्म के लिए अपनी पोस्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी की आला बैठक से ठप्पा लगवाना है, in order to secure his third term. ऐसे में नैंसी पेलोसी की अनइनवाइटेड यात्रा से वो अपने आप को पार्टी में कमजोर पा रहे होंगे। ये वे इम्प्रेशन बिल्कुल नहीं जाने दे सकते कि वे अमेरिका पर अब सॉफ्ट हो गए हैं। Second, he has also become quite unpopular, especially among the masses with the strict imposing COVID lockdowns. ऐसे में, to revive the mood, he will want to divert his public's attention towards aggressive nationalism, which only can be done by demonstrating determination to reclaim Taiwan. Third, and the most important reason, legacy, विरासत. As like Putin, Xi Jinping too wants to create a legacy that runs parallel to those of Mao Zedong and Deng Xiaoping. For him, reunification is central towards the quest for national rejuvenation, to order to re-establish the supremacy of Chinese Han civilization. And how can he gain that supremacy? By conquering Taiwan, which no party leader has ever managed to do. And to achieve this legacy, he will go to any extent, even use force if necessary. मगर चीन व्यापारी देश है, क्या एक व्यापारी उन देशों से लड़ाई लड़ सकता है जिससे कमाई हुई है, खुशहाली आई है? Undeniably, चाइना के लिए रशिया जैसा हमला ताइवान पर बोलना आसान नहीं है। चीन कई संकटों में है, इकोनॉमी पहले से डाउन जा रही है, सोसाइटी कोविड की महामारी और लॉकडाउन से परेशान है, चीनी दुनिया में ऑलरेडी अछूत हुए हैं,
ताइवान पर हमले के बाद तो ये जोखिम और खतरे बढ़ सकते हैं, पर क्या ऐसी चिंताएं मायने रखने वाली हैं, स्पेशली लेगेसी के आगे? 82-year-old नैंसी पेलोसी सिमेंटेड हर लेगेसी विद दिस विजिट टू ताइवान, जबकि राष्ट्रपति जी जिनपिंग के लिए चुनौती है कि वे कैसे साबित करें कि चीन को केवल भक्की देने वाला देश ही ना समझा जाए, वह विश्व ताकतों से लड़कर ताकत दिखलाकर दुनिया का दादा बन सकता है। But the world is already on a precarious edge, and China is part of it too. तभी लगता है सर्दियों में जब यूरोप और रूस में एनर्जी को लेकर असली क्लैश होगा, यूक्रेन में उसका क्या आफ्टरफॉल होगा, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या टर्न्स एंड रेपरकशंस आते हैं, शायद उसके बाद जी चीन पे ताइवान के पंगे को बढ़ाने की हिम्मत कर पाए। तो वन थिंग इज सर्टन, बाय द एंड ऑफ 2022 वर्ल्ड राजनीति में बहुत खलनायकी होगी और काफी धमाल और उथल पुथल आ सकती है। ताइवान सचमुच दुनिया का नंबर एक हॉटस्पॉट है, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के मिडिल ईस्ट से भी अधिक गंभीर। That's all for me in this episode of Wrong Shot. Thanks for listening in. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.